हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए, और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। प्रीति जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं? गुड इवनिंग, हाय, हेलो। पहले तो सभी भोजपुरी दर्शकों को प्रीति ध्यानी की तरफ से ढेर सारा प्यार और नमस्ते। इतनी खूबसूरत गार्डन में क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, हम शूटिंग कर रहे हैं। वैसे तो आपको हमारे जो हमारे संजय जी है वो आपको अपडेट करते रहते हैं, वैसे तो मेरे ही बताने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, हम शूट पे हैं, भीलवाड़ा शूट कर रहे हैं। सो हम अभी रवि जी के साथ शूट कर रहे हैं, और आज हमने सॉन्ग किया रवि जी के साथ, बहुत मज़ा आया, और आज हमारा एक सॉन्ग कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आपको? दो सॉन्ग कंप्लीट हो गए जहाँ तक मुझे मालूम है। रवि जी के साथ एक ही सॉन्ग हुआ है, और राजू भाई जी के साथ दो सॉन्ग हुआ। अच्छा। सो आज हमारा एक कंप्लीट हुआ है सॉन्ग, बहुत मजा आया उनके साथ, बहुत मजा आया। पर्सनली कुछ सीखने के लिए मिला उनसे। क्या कुछ खास लगा रवि जी से काम करके? रवि जी में खास यही लगा कि उनके वो ये वाले थोड़ा गोविंदा टाइप वाला स्टाइल, बहुत मजा आया उनके साथ करने में। और जब उनकी फिल्में आप देखती थी, आज उनके साथ अपने स्क्रीन शेयर किया, दोनों में क्या कुछ अंतर होता है? इट्स माय ऑनर कि मैंने उनके साथ फिल्म किया। सीरियसली स्पीकिंग, मज़ा आया उनके साथ करके। एक सांसद है वो, और उनमें मुझे वो कोई एटीट्यूड नज़र नहीं आया, मुझे वो नज़र नहीं आया कि एक वो सांसद उसके बाद हीरो बने, नहीं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो पहले थे वैसे ही है, और बहुत कम्फर्टेबल, कम्फर्ट जोन था उनके साथ काम करने में। और मुझे ये फील नहीं हुआ कि यार ये इतने सीनियर है या ये सब, उन्होंने ऐसी कोई रिएक्शन से ऐसे कोई रिएक्ट किया ही नहीं मेरे साथ, मज़ा आया उनके साथ करके। और आपके साथ फिल्म में कौन कौन से कलाकार हैं? इस फिल्म में जैसे कि मैं 3 फिल्म कर रही हूँ, बट इस फिल्म में जो रवि जी हैं, ओम जय जगदीश, तीनों हीरो हैं इसमें। एक सुनील जी हैं, रवि जी हैं, और राजू भाई जी हैं। सो अभी फिलहाल तो इसके सॉन्ग ही स्टार्ट हुआ है, सीन तो अभी तो कुछ हुए नहीं है। सो मज़ा आएगा आगे काम करने में भी, देखते हैं। फिल्म में और आपके साथ कौन कौन से कलाकार हैं? कलाकार एक तो सोनिका है, एक संगीता जी है, और एक मैं हूँ। संगीता जी भी पर्सनली बहुत अच्छी है, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड बन गई है वो भी। और सोनिका जी भी बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी नेचर की है। और अच्छा है, देखो क्या है ना कि अच्छे से रहो ना, एक फैमिलियर बन जाते हैं, और मज़ा आता है काम करने में, बिकॉज हम इतने एक एक 15 डेज हम साथ रहते हैं, तो यू नो घुल मिल के रहेंगे तो मजा आता है काम करने में, और कैसे दिन निकलता है पता ही नहीं लगता। वाह, क्या बात है। भीलवाड़ा शहर आके कैसा लगा आपको? भीलवाड़ा शहर आके सीरियसली बताओ, मैंने इतने पिक्चर्स ले लिए, इतने टिकटॉक निकाल लिए, क्या बताऊँ, मजा आ रहा है। आज हिंदुस्तान देख के बहुत मजा आ रहा है। आज हिंदुस्तान की लगभग सारी लड़कियाँ टिकटॉक पर आती, उन लोगों को संदेश देना चाहेंगे? यही कहूंगी कि हमेशा बनाते रहो, बिकॉज टिकटॉक बनाने से ही अपनी एक्टिंग में भी इम्प्रोवाइज होता है। बिकॉज हम टिकटॉक बनाते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं, हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, हम कैसे एक्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारी एक्टिंग में भी बहुत इम्प्रोवाइज होता है। फिल्म में दो खलनायक हैं, सूर्या जी और अजय सूर्यवंशी जी, दोनों के साथ आपका कोई अभी तक सीन हुआ कि नहीं? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई सीन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अजय जी के साथ मैंने काम किया है पहले, माई रे माई हमरा उही लड़की चाहिए में, तो उनके साथ बहुत मजा आया था, अभी भी और अभी भी बहुत मजा आएगा। तो अब तो फिल्म के डायरेक्टर साथ भी आप काम कर चुके हैं? हाँ, प्रवीण जी के साथ भी मैंने काम किया है, और प्रवीण जी भी बहुत अच्छे, डाउन टू अर्थ है, और डायरेक्टर भी बड़े कमाल के हैं। उनके अंदर ना एक वो साउथ वाला इफेक्ट नजर आता है, मजा आता है उनके साथ काम करने में। पर्सनली वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, तो बस ऐसे ही करते रहिए। प्रीति, आप कहाँ के रहने वाले? अभी तक कितने फिल्में में अभिनय कर चुके भोजपुरी? देखो, मैं तो उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। उत्तराखंड में कहाँ के हैं? उत्तराखंड में मैं कोटद्वार की हूँ, मैं कोटद्वार की रहने वाली हूँ, और मैंने भोजपुरी में फिलहाल अभी 5-6 फिल्में की हैं, और लेटेस्ट में रिलीज भी होने वाली है एक नागधारी और प्रेमी ऑटो वाला, ये दो फिल्में तो रिलीज ही होने वाली है। सो गाइस, आप लोग जरूर जाइए देखने के लिए। भोजपुरी बोलने में आप कितनी कठिनाई होती है? बहुत होती है, सीरियसली होती है, लेकिन नहीं, अभी कर करके थोड़ा सा हैबिचुअल हो गई हूँ, यूज टू हो गई हूँ, थोड़ी थोड़ी अभी फिलहाल होती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन हाँ, हो जाएगा, होपफुली आगे हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ बोलिए रउआ लोगन के, रउआ लोगन के छठ पूजा के, छठ पूजा के बहुत बहुत शुभकामना बा। बहुत 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 शुभकामना बा। छठ पूजा के बारे में कभी सुन ले बनी है रउआ? नहीं, मतलब मैंने यही सुना है कि वो थोड़ा करवा चौथ
काइंड ऑफ का होता है छठ पूजा। अभी मैंने कल ही एक किसी को पूछा था कि छठ पूजा कैसे होता है, तो कह रहे थे कि मॉर्निंग में छूटती है पूजा, मतलब पानी नहीं पीते। ओ शिट, मैंने कहा करवा चौथ तो शाम को छूटती, ये एक दिन और एक्स्ट्रा। सीरियसली ये 3 दिन का पूजा होता है, तीनों दिन निर्जला होना पड़ता है। हैट्स ऑफ हमारे बिहारी और हमारे छठ पूजा रखने वाले सारे लेडीजों को। सीरियसली ऐसे ही रखते रहिए अपने पतियों के लिए और पतियों की लंबी उम्र कीजिए। आज आप भिलवाड़ा में हैं, यहाँ पर शूटिंग चली फिल्म के, प्रोड्यूसर के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो। हाँ, प्रोड्यूसर के बारे में मैं बात करूंगी। देखिए, हमारे प्रोड्यूसर हैं मारवाड़ी, फिर भी वो हमारे भोजपुरी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब हमारी फिल्मों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और उनका उनकी सोच एक बहुत अच्छी है कि वो ये सोचते कि हमें हमारी फिल्मों में कोई ऐसी आइटम सॉन्ग या ऐसी कोई वल्गैरिटी या चीपनेस नहीं चाहिए। बहुत सोबर तरीके से फिल्माओ इसको और इसको प्रेजेंट करो ताकि हमारे जो छोटे से लेके बड़े तक के लोग इसे साथ बैठ के देखे। सो बहुत अच्छी सोच है। फिल्म में राजू सिंह माही भी हैं, उनके साथ आपने काफी काम भी किया है। हाँ, राजू कैसा बाय नेचर? राजू जी के साथ भी मैंने पहले काम किया है 2 फिल्मों में, एक दिलवाले और एक मायरे माई हमरा उलय की चाई में। सो उनका नेचर मैं बताऊंगी तो बहुत मतलब केयरिंग नेचर है। अभी जैसे हम उनके साथ ही आ रहे थे तो बहुत केयर एंड ऑल, मतलब बहुत अच्छे नेचर के हैं। अच्छे, क्या उम्मीद लगता है आपको इस तीनों सिनेमा से? उम्मीद यही लगता है कि हमारी फिल्में सुपर हिट होगी और होनी भी चाहिए, बिकॉज हम सारे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म को लेके। दर्शक तो, आपके सिनेमा को क्यों देखे? दर्शक हमारे मेरे ही नहीं, दर्शक सारे लोगों के सिनेमा को देखो, बिकॉज सिनेमा बनाने में आपको ये बहुत खूबसूरत ये सब जो दिखता है ना, उसमें मेहनत होती है और सारे टेक्नीशियन से लेके हम आर्टिस्ट लोग बहुत मेहनत करते हैं इस फिल्म ऐसे फिल्मों को बनाने के लिए। तो गाइज, हम यही कहते हैं कि आप लोग ज़रूर जाइए, देखिए और हमारी मेहनत को देखिए कि हम कितना मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.